वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ज़बरदस्त सा मसूर पुलाव बनाते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं एक हांडी दाल भात और कुछ लोग इसे बिरयानी भी कहते हैं मसूर की, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ दो पैन रखे हुए, एक में पानी है, 8 कप पानी है, उसका हम चूल्हा ऑन करते हैं, हाई पे हमने रखा हुआ है। और इसमें अब हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून शाहजीरा, काला जीरा, एक बादियान और छोटे मोटे 2-3 बे लीव्स, अगर बड़ा हो तो एक काफ़ी है, ये डाल देंगे। चलो अब इस पैन का हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम हाई पे रखते हैं और यहाँ डालेंगे हम तेल। तेल डालेंगे हम 6 से 7 टेबलस्पून। चले और इसमें अब हम डालेंगे ये ब्रोकन, हमारे पास 2-3 बे लीव्स है, 1/2 टीस्पून काला जीरा, शाह जीरा और 4 छोटी इलायचियाँ। चले ये चला गया और अब इसमें हम डालेंगे, देखें हमारे पास यहाँ छिले हुए, कटे हुए, धुले हुए 3 मीडियम साइज़ के आलू है। आप कम्प्लीटली आप पे है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा डालें चाहे तो कम डालें, तो ये मीडियम साइज़ के काट लिए, ये डाल देते हैं और इसको अब हम फ्राई करेंगे। इसको हमें 20-30% पका लेना है, इस तरह से आलूओं में खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ जाएगी गरम मसाले की और 20-30% फ्राई भी हो जाएंगे। गुजरात में इसे एक हांडी दाल भात इसलिए कहा जाता है कि वन पॉट में बनता है आमतौर पे, और दाल और चावल दोनों साथ होते हैं इसलिए वन पॉट मील कहलाता है। तो एक हांडी दाल भात, और मैं इसे कहती हूँ 2 हांडी दाल भात क्योंकि मैं 2 बर्तनों में बना रही हूँ क्योंकि मेरा स्टाइल है ना ये। देखिए 30-40% हमारे आलू हो गए और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, यानी लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज, अगर आपके पास ना हो तो एक मीडियम साइज़ के आप तेल में फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ जाएगा 4 टेबलस्पून दही, 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी, अगर टोमेटो प्यूरी नहीं है तो 1 टोमेटो डाल दें छोटा छोटा काट के, और साथ ही हमारे जाएगा इसमें मसाले जो कि कुछ यूं है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। बस अच्छे से इसको हिला देंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखें आलू अब हमारे तकरीबन हो गए 50% कुक्ड, तो अब हमारे मसूर की टर्न आ रही है। तो मसूर जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कुछ ऐसे लगते हैं, ये देखें साबुत मसूर है और इसको मैंने 1 कप मसूर में मैंने डाला 4 कप पानी और उसको उबालने के लिए रख दिया, 22 मिनट तक उबाला। अच्छा बहुत ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें भी पकाना है ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लग कैसा रहा है। तो ये देखें हाथ में ये दबाया, मेहनत की तब दबा है, ये देखें। तो हमें थोड़ा सा लाइक 90% के आसपास कुक करना है, 80-90% के बीच में। देखें ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं क्योंकि हमारी टाइमिंग्स जो है वो ऑलमोस्ट हमको सेम रखनी है, इसका रेडी होना और चावलों का गर्म गर्म आना। तो 1-2 मिनट ढक्कन ढकेंगे तो जल्दी बॉयल आ जाएगा। चले ये डाल देते हैं अब इसमें। अब देखें अगर ओवर कुक्ड हो गए तब मसाले के साथ भुन नहीं पाएंगे, तो मसाले के साथ भुनना भी है और गलाना नहीं है ज़्यादा। चले चले यहाँ अच्छा सा बॉयल आ गया, तो अब हम इसमें 2 कप भीगे हुए चावल डाल देते हैं। मसूर हमने लिया था 1 कप और चावल हमने लिए 2 कप।
तो बस इसे हमें गलाना है 90%, और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक, हिला लेंगे। चले इसमें हम डालेंगे कुछ आलू बुखारे। ये आलू बुखारे जो है इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या है ये, ड्राई प्लम है, वैसे भी खाने में बड़े मज़े के लगते हैं, तो इसमें क्या है थोड़ा सा खट्टापन होता है तो मज़े का लगता है। तो चले ये डाल देते हैं, 4-6 हैं, और यहाँ हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तकरीबन 4 टेबल स्पून के आसपास। चूल्हा हमारा मीडियम पे है, इसको अच्छे से हम लोग मसाले में इनकॉर्पोरेट करते हैं, आलू को, मसूर को, और यहाँ हम अपने चावल का पक जाने का वेट कर रहे हैं। बस जब तक चावल पकेंगे जब तक इसकी हम टेक केयर कर लेंगे, खुले में ही रखेंगे। देखिए 7-8 मिनट हो गई है, चावल जो है वो फूले फूले नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए उठा के देखेंगे तो ये देखें, दबाएंगे तब टूटेंगे वरना नहीं टूटेंगे, इस पोजीशन में है। तो 1-2 मिनट तो हमें लग जाएगी, इसमें हम चीज़ें वगैरह डालेंगे तो गर्म पानी में रहने देते हैं। तो ये हम देखें हरा धनिया डालते हैं, और देख लीजिएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पानी आपका ड्राई हो गया है, देखिए मेरा थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आ गया है, थोड़ा सा डालना चाहे तो 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो ये धनिया डाल दिया, ये देखें यहाँ ढेर सारी हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, ये डाल देंगे, आपको जितना पसंद हो कम डालें ज़्यादा डालें। यहाँ देखें हमारे पास 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये डाल देंगे, और नींबू, ये पूरा 1 नींबू चला गया इसमें। अब देखें अब ये चावल जो है 1-2 मिनट और रहे ना इसमें, तब ये 90% हो गए, हमने बंद किया 80% पे। तो अब ये लेके हम डालना शुरू करते हैं इसमें डायरेक्ट, आप चाहे तो आप स्ट्रेन भी कर सकते हैं, और इसके साथ जो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है वो हमने इतना ड्राई रखा है कि हम एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इसमें डाल देंगे डायरेक्ट, ये टाइमिंग्स जो होता है ना कि चावल भी गर्म है, आमेज़ा भी गर्म है, तब क्या दम भी बहुत जल्दी आता है। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज है, वो डाल देंगे ऊपर ताकि खुशबू अच्छी सी आए। यहाँ हमारे पास जर्दे का रंग है, 1 टेबल स्पून मैंने पानी लिया था, उसमें 1/4 टीस्पून जर्दे का कलर डाल दिया था, जितना दिल चाहे आपको कम ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि थोड़ी कलरफुल सी लगे। एक साइड डालते हैं एक साइड छोड़ देते हैं, और यहाँ हम डालेंगे 1-2 टेबल स्पून तेल, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, और ये मैंने डाल दिया। चूल्हे को कर देते हैं बिल्कुल स्लो, और इसको कवर कर देंगे और दम देंगे। अगर ये देखें आपके पास होल हो तो मैंने फॉइल डाल दिया है होल में ताकि अच्छा सा दम आ जाए। तो मिलते हैं 15-20 मिनट में। देखिए 20 मिनट्स पूरे हो गए हैं चूल्हे को करते बंद, खुशबू कह रही है कि वो पक चुका है बिल्कुल कम्प्लीटली। तो चले खोलते हैं, ये और इस पर अब गार्निश करेंगे हरे धनिए से। तो देखा कैसे झटपट हमारा मसूर पुलाव कह लो, एक हांडी दाल भात कह लो, या मसूर की बिरयानी, वो बन गई प्रेजेंटेबल, मज़ेदार, खुशबूदार। और मैं ट्राई करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि कैसी लग रही है।
बड़ा सिंपल सा और यमी सा है, इसको सही कहते हैं कंफर्ट फूड, और हेल्दी भी है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन भी है, सिंपल भी है, सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। बहुत सारी चीज़ें मिली जुली है, आप लोग बनाए यकीनन आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, ख़ासतौर से जब ग्रोसरी लेने ना जानी हो, जो एक प्रेजेंटेबल सी डिश बन जाएगी। देखिए एक कप मसूर में कितना ढेर सारा बन गया, मानते हैं। चलिए जाएं, जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।